ये क्या है? वहाँ बोर्ड मीटिंग चल रही है और तुम यहाँ? बोरिंग मैन। काफी कोशिश की, ऑफिसर नहीं मान रहा। उड़ा देंगे? हर बार मारने की बात, क्या यार? अच्छा, हमारे लिए नई चीज है ये? पुल! Two weeks is all we have. We have to go there and get it done immediately. Pull! We have 2 weeks. Pull! You want any help? क्या नया बना रही हो? तुम ही देखो। अच्छा है, क्या है ये? क्या अच्छा? दो दिल बनाकर जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। एक काम करो, अपने भैया और मेरे बारे में सोचो, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ, वो दुबई में। सो जाओ, 10 बज गए हैं। भाभी, हाँ। 4-5 घरों की ही बिजली गई है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस फोन करो ना। हाँ, बिल टाइम पर भरने वालों की ही बिजली कटती है। कर दे दिल को बम्बार, आजा आप दे दे। नारा 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 नारा। Hey, what's up? Hey, जानी क्या कर रहा है यार? अरे कॉन्फ्लेक्स के पैकेट क्यों भर रहा है? अरे पागल हो गया क्या? जानी क्या कर रहे तू? अरे रुक यार, अरे अरे मेरी बात तो सुन। कर क्या रहा है? अरे मुझे बता तो सही, क्या कर रहा है? Hey, what's happening, man? पागल हो गया तू?
चुप रहती है पर हमें खबरें मिलती। ए जानी, अब भी हंस रहा है? दो साल से देख रहा हूँ, तू उसके पीछे दीवाना रहता है। अरे वो तुझे देखती भी नहीं है यार, इतना कुछ किया तूने उसके लिए, साला उसने एक थैंक यू तक नहीं बोला यार। क्या किया? पर्दे बंद। अरे यार, मेरे प्यार की खातिर उसने पर्दे बंद किए। क्या? हाँ यार, अगर पर्दे बंद नहीं करती तो मैं रात भर इधर ही इंतजार करता। उसे पता है अंधेरी रात है, ठंड है, वो नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो जाए, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने खिड़की बंद कर दी। हाय, कैसे हो? हाय हाय, हैप्पी 10th एनिवर्सरी ऑफ योर कंसर्न, एक्सेप्ट दिस, प्लीज टेक हिम इनसाइड। ना ओके सर, आइए। काफी गेस्ट आ चुके हैं। और इस 2 PM ओके विद यू? हरामी साला, फाइल पे साइन करने से मना कर रहा है लेकिन पार्टी में आएगा। वेलकम सर, थैंक्स फॉर कमिंग। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू। इट्स कंप्लीटली अप्रूव्ड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप ना आते तो पार्टी अधूरी रह जाती। वैसे मेरी पत्नी भी साथ आई है। ओ, शशिकला, मीट मिस्टर सुदीप। नमस्ते। नमस्ते। ओ, आपकी गन्स का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। इन्हें भी शूटिंग का काफी शौक है। ओ, रियली? क्या आप इन्हें भी सिखा सकते हैं? डार्लिंग, ये इतने बिजी रहते हैं, इन्हें तकलीफ क्यों दे? नो नो मैम, नॉट एट ऑल, इट बी माय प्लेजर। विल यू टेक देम इनसाइड प्लीज? श्योर। इसकी तो दुआ मेरे साथ है। बोलाज, बाप रे, इस बंदे को लाइन पर लाते लाते सर घूम गया और तुमने कर दिया उसकी बीवी को। ए, बीवी को पटाकर? कोई है जो तुझसे पटती नहीं है? माय वाइफ, पहली बार देखते ही मैं उसे पाना चाहता था, फिर मेरी नजर उसकी दौलत पर पड़ी, शादी कर ली। जायदाद मांगी तो कहा मुझे मार भी दो तब भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई कैन गेट एनी डेम इन दिस वर्ल्ड, एनी। बोयनपल्ली गवर्नमेंट स्कूल में बेंचेस सप्लाई कर दी, पातबस्ती गवर्नमेंट स्कूल में 50 हिंदी बुक्स भेज दी हैं, बालनगर गवर्नमेंट स्कूल में ब्लैक बोर्ड, 4th-5th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स इस हफ्ते भेजनी है, उनके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। कार्तिक, हाँ, बैंक बैलेंस कितना है? 15,600 ओवरड्यू। शट अप। ओके, हाँ सिंधू, अग्रवाल स्वीट हमें चेक देने वाले थे ना, उस चेक अमाउंट से ज्यादा पेट्रोल का खर्चा है यार। इसीलिए मैं आया हूँ। हर महीने की तरह इस महीने भी आपकी मुसीबतों के लिए मेरी मेहनत, अ चेक ऑफ 15 रुपीज। थैंक यू। बाय द वे, इस डोनेशन के बारे में किसी को मत बताना, ये पब्लिसिटी वगैरह मुझे नहीं पसंद। हाय हाय, सीक्रेट डोनर? हाँ, सच, इसीलिए मैंने चेक साइन भी नहीं किया। बिना सिग्नेचर चेक नहीं चलता सर। एक्सक्यूज मी, वैसे एक डोनर की हैसियत से पूछ रहा हूँ, पिछले महीने मेरे फंड्स कैसे यूज किए बताओगे? तुम्हारे पिद्दी से 15 रुपए के लिए बैंक बैलेंस शीट चाहिए? ओफो, इसकी रिंगटोन काटनी पड़ेगी। आपकी जुल्फों को लूज रखने के बजाय टाइट बांधा करो, अच्छी लगोगी। मुझे लूज ही पसंद है। आप लूज रहो, जुल्फे टाइट बांध लो। इडियट। थैंक यू। आप बोलिए ना। पिछले महीने हमने बुक्स, स्लेट्स और फीस पर 90,000 खर्च किए और खर्चों के डिटेल्स, एक्सक्यूज मी, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। इतनी कठिन भी ना दिल की ज़बान, बिना मुस्कुराए भी अच्छे लग रहे हो। हे, बंटी शाम को आएगा कह रहा है। इतनी सी बात है। हाय बिंदु। भाभी, यहाँ कैसे आना हुआ? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सुदीप कंस्ट्रक्शन एक चैरिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं। uh-huh. तुम उनके एमडी से क्यों नहीं मिलती? Don't worry. Excuse me, sir. Yeah. Project 511 से आपके लिए को इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज कीजिए।
And make sure you have the top class presentation and... सर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में एक्सक्यूज मी सर उस लड़की को अंदर भेजो लेट्स मीट लेटर गेट आउट लावा 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 सीने में लावा सर मैं बिंदु प्रोजेक्ट 511 नाम के एक चैरिटी तूफान में मचलता तेरा ये जलवा बेचैनी सी ये दिल की धड़कन को दे आजादी तू नशा तो आपके कुछ डोनेशन से लावा, 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 सीने में लावा। Oh my God, 15 lakh थैंक यू सर अब डोनेशन दिया है तो क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ आपकी सोच मुझे अच्छी लगी आपके साथ और नजदीकी से काम करना चाहता हूँ विश्वास नहीं हो रहा सर हमें बहुत खुशी होगी थैंक्स फॉर दैट सर ये आपके लिए स्मॉल टोकन ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड व्हाट दिस माइक्रो आर्ट मैंने बनाया है ओह नाइस क्या बात है बेटी बड़ी खुश लग रही हो हमारी प्रोजेक्ट 511 के लिए बड़ा चेक मिला है पंडित जी इसकी अर्चना कीजिए बिल्कुल देखना मेरे चेक की पूजा कर रही है 15 रुपए के चेक की पूजा अर्चना का टिकट ही 20 रुपए का है हैं है ना सुपर यार 15 लाख किसने दिए बेटी सुदीप कंस्ट्रक्शन MD उसने एक ही बार 15 दिए मैं हर महीने 15 देता हूँ स्वामी अच्छे काम को भगवान हमेशा आशीर्वाद देते हैं ये लो भगवान का प्रसाद सब में बांट देना बात सुन बात सुन तुझे छोड़ के सबके हाथ पे प्रसाद दिया मेरे भी तुम सबको प्रसाद देकर उसने मुझे नहीं दिया उसके लिए मैं कितना स्पेशल हूँ यार सोचो हाँ अरे हट तो क्या कह रहा थैंक यू कह रहा चलती हूँ सर इनके लिए इतना करती हो तो तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ सर लंच बहुत दिनों बाद एक दोस्त के साथ इतने आराम से बैठा थैंक्स Can I place the order? Yeah. Come here. Sir. Johnny, ये दूसरा कहाँ रखूँ? वहाँ. तू आके दिखा ना. अरे मुझे ही आके बताना पड़े तो तुम क्यों हो यहाँ पर? Sir, यहाँ comfortable नहीं है. हम वहाँ बैठे. Comfortable? Thank you. मैंने जो डिश ऑर्डर की है वो है फोलियो डी साटे, यानी ग्रीक में डिश ऑफ लव कहा जाता है. Leave us. Okay, sir.
इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इस डिश को जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा ने पहले खाया था। ओह। जो भी इसे साथ खाएगा, आई मीन अगर तुम और मैं इसे मिलके खाएं, देन अ फ्रेंडशिप विल टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। सो तू मुझे एक चम्मच खिलाओ और मैं तुम्हें खिलाऊंगा। Shall we start? सर, हमारे पटाखे धूम मचा देंगे। वैसे एक बात कहना चाहता था। Yes? आप बड़े स्मार्ट हो सर। आपके कपड़े, आपकी स्टाइल, क्या बात है। ओके सर, चलता हूँ सर। बाय बाय, टाटा। खाइए खाइए, अच्छे से खाइए। बड़े कमजोर लग रहे हो आजकल, खाइए। सर खाना बहुत अच्छा है। चेक। क्या हुआ? मैं यही उतर जाती हूँ। यहाँ क्यों? वो सब्जी खरीदनी है। चलो मैं भी आता हूँ। शेयर मार्केट में रहने वाले आप, इस मार्केट में क्या करेंगे? What time? आप चलिए सर। थैंक यू। कोई बात नहीं, हम दोनों दूसरी जगह जाएंगे। हेलो भाभी। बिंदु, टाइम देखा है? ऑफिस में इतनी देर तक क्यों हो? ओह, 10 बज गए? नहीं, 7 बजे हैं। सॉरी सॉरी, बहुत काम आ गया था। ओफो, पेट्रोल अब भी खत्म होना था। इस सारे काम का बिल जरूर दे देना। आपसे पैसे क्यों लूंगा फादर, सिर्फ ब्लेसिंग्स काफी हैं। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। आपकी ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल है फादर। थैंक यू, थैंक यू। खुश रहो। क्या हो गया यार? बिंदु ने मैसेज भेजा यार, पहली बार पॉजिटिव रिस्पांस। ब्लैंक मैसेज है। ब्लैंक मैसेज ब्लैंक चेक जितना पावरफुल होता है। वहां अमाउंट कोई भी लिख लो, यहाँ मैसेज कोई भी सोच लो। अच्छा, तो क्या कहता है ब्लैंक मैसेज? गधों के साथ मत रहो, जल्दी आ जाओ। ओहो, मैसेज? क्या मैसेज? अरे ब्लैंक मैसेज भेजा आपने। मैसेज डिलीट करने के बजाय
रिप्लाई दब गया, सॉरी। बहुत देर हो गई है, अकेले डर लग रहा है, तो मुझे साथ चलने बुलाया ना? इतना ज्यादा मत सोचो। बहुत देर हो गई है, अकेले डर लग रहा है, मुझे आपके साथ मैं घर तक चल सकता हूँ? सर मुझे क्यों मार रहे हैं सर? मैं आपको जानता तक नहीं, मुझे जाने दीजिए प्लीज प्लीज। हर लड़की मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ी है और तुम्हारी वजह से ये मुझे जम। किसकी किसकी बात कर रहे हैं सर? बिंदु। बिंदु के पास भी गए तो मार दूंगा। एक्सीडेंट लगना चाहिए। तुम्हें तड़ पाया, इसका बदला ले रहे हो? प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या मुझे? हाँ सर, मैंने कॉल किया। लास्ट कब मिली? सुबह 6 बजे। तुमने इसके बारे में पूछताछ की? फिर क्या क्या सवेरे से इतनी देर तुमने? चलो जाओ पूछो। इसके बारे में पूछे जाओ। आखिर में लाश पड़ी है और तुम्हें पता भी नहीं कौन है।
पर जाओ भाई, भीड़ मत लगाओ यहाँ पर। Yeah.
आए. No, don't worry, it'll be taken care of. खामोशी तेरी ये सह ना सकूं, मैं अब भी तेरा हूं कैसे कहूं. जल्दी क्यों तैयार हो गई ऑफिस के लिए? 10 बजे ना, अभी तो 7 बजे हैं. बर्तन क्यों धो रही हो? काम वाली इसलिए तो रखी है. जाओ बैठो. क्या हुआ बिंदु, आज तक तुम्हें घर का काम करना अच्छा नहीं लगा और अभी क्या हुआ जो काम पे काम ढूंढ रही हो? बात कर रही हूं तुम. हे क्या हुआ? काम करके याद नहीं करने की कोशिश कर रही हूं. क्या, किसे? जानी. जानी? हमेशा उसे दूर रखा, उसे तड़पाया और अब वो इतनी दूर चला गया कि मैं उसे मिल नहीं सकती. सोचा रोने से मन हल्का होगा, लेकिन जितना रोती हूं उतना ही वो याद आता है भाभी, इसलिए मैं रो नहीं रही.
सिट सिट। अरे सिट। जॉनी के बारे में सोच रही हूँ। आपको कैसे पता? Come on, Bindu, I'm your friend. I still remember. मेरी वाइफ मरते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे वादा करवाया। उसके मरने के बाद मैं उसे भूल जाऊं, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम भी अगर जॉनी से प्यार करती हो तो उसे भूल जाओ। हंसाने के लिए सब किया मैंने। ओह, थैंक यू सर। मुझे लगा आपको कुछ हुआ। नहीं नहीं, वो डर गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे देखो देखो, दीप सर, दीप सर, दीप सर आया। अरे सर आइए। सर, सर, लिसन गाइस, नीड टू गो टू द ऑफिस। वन बिस्किट सर प्लीज, उसके लीजिए सर। इन्होंने कहा ना इनको ऑफिस जाना है। गाइस, गो टू योर प्लेसेस। बाय सर। या बाय। सॉरी अबाउट दैट। दैट्स ओके। इन बेवकूफों को अभी आना था। सर? या आपने जो कहा याद रखूंगी। जाने को भूलने की कोशिश करूंगी। आधा घंटा मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ओके सर। डालो। बिठाने से पहले चेक किया कर सकते हो ना? सॉरी सर। Hey!
कोई है इधर? हाँ सर, आप यहाँ क्यों आ गए सर? खोल बे। सर खोल। ये जल्दी खोल। सुना नहीं क्या? डिस्टर्ब नहीं करने को कहा था ना सर। सर क्या करे सर? नहीं सर, नहीं सर, मत मारिए सर। हिलना मत। एमडी का नाम गणपति केमिकल स्कैम में निकला है, ये लोग उन्हें नंगा कर देंगे, कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। दिस इज द नेकेड ट्रूथ। आपने अचानक बुलाया? हाँ, वो पिछले हफ्ते दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर से मिला था मैं। एक बार अगर उनसे मिलके डिटेल में एक्सप्लेन करे तो हमें नेशनल लेवल रिकॉग्निशन मिल सकता है। अरे वाह, रिकॉग्निशन, वाव। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, अगर तुम में से कोई मेरे साथ आए तो उनसे मिलवा सकता हूँ। सो who's gonna come? मैं आऊंगा सर। ए, प्रेजेंटेशन का मतलब पिज्जा खाना नहीं होता है। बिंदु तुम जाओ। मैं? हाँ, पिछले महीने भी तुम्हारा प्रेजेंटेशन कलेक्टर साहब को बड़ा अच्छा लगा था। अरे एकदम सही तो बोल रहे हैं। इतना क्या सोच रही हो, तुम्हें ही जाना चाहिए। सर बिंदु जाएगी। सर बिंदु आएगी सर। हाँ हाँ, बिंदु आएगी सर। अरे बिंदु, बिंदु को ही जाना चाहिए। बिंदु ही जाना चाहिए। तो यार लेके आएगी हमको नेशनल। ओके सर, मैं आऊंगी। दैट्स ग्रेट। वेल देन बिंदु, कल एयरपोर्ट में मिलते हैं। साफ करना भूल गए क्या? हैं? घर में मक्खियां भरी हुई है, कमरे में सारी मक्खियां भरी हुई है। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है, 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 अकेला ही आता है। बिंदु फ्लाइट का टाइम हो रहा है सर, बोर्डिंग आधे घंटे में शुरू।
I'm on the way, Bindu. I'll be there in 10 minutes. What the? Shit, man. Hello? Bindu, मैं तो ट्रैफिक जाम में फंस गया। Oh no. No, nothing to worry. Do one thing. तुम जाके बोर्डिंग पास ले लो। I'll be there in no time. आ जाऊंगा मैं टाइम पे। Okay? Okay, sir. अच्छा साफ कर जी सर। राम। हेलो सर, आप यहाँ? एक जाम में फंस गया हूँ मैं, एक गाड़ी चाहिए मुझे। मेरी गाड़ी ले जाइए, ये चाबी दे। हेलो बिंदु, आई जस्ट रीच इन 10 मिनट्स। कोई बात नहीं सर, फ्लाइट लेट है, यू कैन मेक इट। ओह, आ जाऊंगा। Maki, 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 maki
यू आर सो लकी, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने पर भी छोटी छोटी खरोच के साथ बच गए। शुक्रिया। मुझे हाथ देना, बीपी चेक करना है। ये क्या है? हिट, आप लीजिए। दीजिए। इसे नहीं, बीपी लीजिए। सिस्टर, नींद की दवा दे रहा हूं सर, डाइसीफॉम 2 ml देना। चलता हूं सर, बाय। सर, एनिमल्स बदला लेते हैं क्या? क्या मेरी बात सुने नहीं दी? एनिमल्स बदला लेते हैं क्या? हाँ लेते हैं सर, बरजातिया के पिक्चरों में। पिक्चर में नहीं यार, रियल लाइफ में। हाँ, रियल लाइफ में भी लेते हैं सर। हाँ, मेरी दादी ने मुझसे कहा था, मेरे दादा को एक सांप ने काट कर बदला लिया था। वो नहीं, छोटे। हाँ, छोटे सांप भी काटते हैं सर। दूसरे छोटे सांप भी काटते हैं सर। सांप नहीं यार, छोटे से, जैसे चिड़िया, चूहा, मक्खी। मक्खी? हाँ ले सकते हैं सर, सांप बदला ले सकता है तो मक्खी को भी मौका मिलना चाहिए सर। क्या मुसीबत है, ये बात किसको बताऊं, कैसे बताऊं? सर बिंदु मैडम आई है सर। ए, आउट। सर आप ठीक है? यो बिंदु, आई एम फाइन। सिट डाउन। एंड थैंक्स फॉर कमिंग। ये हाथ में क्या है? ये एक मक्खी मुझे। Good morning, Mr. Sudeep. What a pleasant surprise. Hi, sir. Hi. कहिए, how can I help you? एक छोटा डाउट है प्रोफेसर, मक्खियां किसी को मार सकती है क्या? आई मीन किसी इंसान को याद रख के प्लान करके अटैक कर सकती है क्या? क्या सर, साइंस फिक्शन लिख रहे हैं? साइंस फिक्शन नहीं, फैक्ट। ये एक मक्खी मुझे खाने नहीं देती, सोने नहीं देती, चैन से जीने नहीं देती। ये एक्सीडेंट भी उसी ने किया है। गाड़ी के शीशे पर आई विल किल यू भी लिखा उसने। साइंस फिक्शन है ये। अभी आपने कहा रात भर सोए नहीं, काफी थके हुए हैं।
उस थकान के चलते एक्सीडेंट हुआ। उसी वक्त मक्खी ने आपको परेशान किया होगा और आपके मन में उसका वहम बैठ गया है। आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तुम जो ढूंढ रहे हो वहां नहीं है। आओ। चल हट। अभी नहीं आओगे। पैसे की आग मुंह पे राख, होगा जब सब कुछ खाक, तब इस तंत्रा को ढूंढते हुए आओगे। साला पागल। वहम हो गया मुझे। मैं फट खाना लग गया है। हे, क्या हुआ? जाने का लॉकेट टूट गया भाभी। जानी नहीं आएगा, ये तुम भी जानती हो। कब तक उसकी याद में रोती रहोगी? इस लॉकेट की तरह उसके बंधन को भी तोड़ दो बेटा। तेरे ही संग हूँ मैं हर घड़ी। जानी हो क्या? तुम सच में जानी हो क्या? यकीन नहीं हो रहा। जानी, पुनर्जन्म, एक्सीडेंट में मरने के बाद। एक्सीडेंट नहीं था, फिर क्या?
सुदीप सर, ने तुम्हें मार डाला। वो तुम्हें क्यों मारेंगे? मेरे लिए तुम्हें जरूरी काम काज सिर्फ दस तुझको मारना तीन तुझको मारना पांच तुझको मारना छह तुझको मारना सात तुझको मारना आठ तुझको मारना नौ तुझको मारना दस तुझको रत्ती रत्ती मसल मसल तोड़ के मरोड़ के शरीर चीर चीर मार फड़ाऊंगा तेरे कानों में वज्राग मैं गाऊंगा
लकीर तेरी छोटी करूंगा, खोने को कुछ नहीं है, क्या है जो मैं खो दूंगा। एक बार मर चुका हूँ, इस बार क्या डरूंगा। मक्खी जो मुझको फेंक देगा, जब तेरी सांस रुकी तभी सुकून मिलेगा, तुझसे नजर मिला के मैं चुटकी में मार दूंगा। कैपुचिनो, और तुम? तुम्हें भी वही पसंद? वन कैपुचिनो प्लीज। सॉरी मैम, कॉफी में मक्खी गिर गई। अरे नहीं नहीं नहीं, वो कॉफी पी रहा है। अच्छा, आगे क्या प्लान है? जी जी सर, बुलेट प्रूफ ग्लासेस और स्कैनर्स ऑर्डर कर दिया ना? कर दिए सर। सिर्फ मक्खी ही नहीं, हवा भी घर के अंदर मेरी मर्जी के बिना नहीं आनी चाहिए। हाँ सर, पूरे घर को इरिटेट कर दो। सुंदर को देखता हूं मैं। बैठिए। ओके।
हाय सर। हाय। एंटीक्स बहुत अच्छे हैं सर। तुम्हें पसंद आए? मेरा पर्सनल कलेक्शन है। यही था मेरी वाइफ का फेवरेट स्पॉट। क्या हुआ सर? नथिंग। Sure? Yeah. आपकी पत्नी का फेवरेट स्पॉट बहुत अच्छा लगा। Pain! Full. Memories? उधर बैठ के बात करें? No! Yeah, sorry. Come. Okay. सर आपने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ काम याद भूल गए। अर्जेंट ऑफिस जाना है। This way? मैंने सोचा आपके साथ कुछ वक्त गुजारूं, थोड़ी देर बाद जा सकते हो ना? क्या टाइमिंग है? आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी सर। I think you should leave now. Come. Hey, दरवाजा खोलो। I'll see you later. Okay, sir. Yeah. मैं मक्की सैर करना रखी मेरी एक नजर से तूने मौत चखी मक्की हूँ मैं मक्की सैर करना रखी मेरी एक नजर से तूने मौत चखी देख तेरे हाथ जोड़ता हूं ये एक मीटिंग खराब मत करना ये लोग 2,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आए हैं अगर तू कुछ करेगा तो 2,000 करोड़ जाएंगे और एडवांस में आए 500 करोड़ इंटरेस्ट के साथ वापस करने पड़ेंगे ऑफ कोर्स ये सब मुझे पता नहीं क्या आई एम श्योर यू विल इन्वेस्ट मोर आफ्टर हियरिंग आवर प्रेजेंटेशन सर दिस इज द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट सर हैव यू सेंट दिस सर पानी लेंगे ऑलरेडी सेंट नो इट्स ओके जेंटलमैन वी आर रेडी Would you please welcome our managing director, Mr. Sudeep? परेशान मत होइए इन्हें रेसिंग कितनी पसंद है हम सब जानते हैं हमारा प्रोजेक्ट भी इसी स्पीड में कंप्लीट होगा यही हम दिखाना चाह रहे थे और क्या ऑल द बेस्ट सुदीप प्रेजेंटेशन ठीक से कर वरना बर्बाद हो जाएंगे Projector. Gentlemen, Sudeep Space City is देश की सबसे बड़ी टाउनशिप बनेगी आपके इन्वेस्टमेंट से हमने 5,000 टन स्टील 10,000 टन सीमेंट और 50,000 टन फ्लाई किलर स्प्रे खरीदे एंड मोर व्हाट फ्लाई किलर स्प्रे ईटे फ्लाई एश ब्रिक्स मुझे मक्खियों से डर लगता है क्या ईटे ऑफकोर्स ईटों से भी मार सकते हैं राइट हाँ फ्लैट खरीदने से पहले हर कस्टमर को 1,000 मक्खियां मारने की कंडीशन रखेंगे यस यस नेक्स्ट नेक्स्ट मक्खियां सारी मरने के बाद सुदीप टाउनशिप कितनी पीसफुल सी शांत सी मजेदार सी बढ़िया से हो जाएगी मिस्टर सुदीप व्हाट नॉनसेंस That's enough, I say. ये क्या है बोर्ड मीटिंग चल रही है या मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े मारने वाला टीवी प्रोग्राम दिस इज रिडिकुलस आई से मिस्टर सुदीप व्हाई आर यू हिटिंग ए हिट काम नहीं करेगा इसको स्प्रे से नहीं मार सकते मैंने खुद ट्राई किया मुझे पता है हैव यू गॉन मैड He's a nutcase. Don't move. Don't move. Sir, I can explain, sir. Please, आप मेरी बात सुनिए. आप बैठिए एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ, sir. Please. कमिश्नर को लाइन दो. सिन्हा, एक टिप देता हूँ. Immediately यहाँ पे रेड करवाओ.
बहुत गड़बड़ हो गई है सर, उस मुकेश दुग्गल ने इनकम टैक्स कमिश्नर को फोन कर दिया है सर, यहाँ रेड करने के लिए टिप भी दे दी है, कैश सारा ऑफिस में है सर। पैसे की आग मुंह बेराख होगा जब सब कुछ खाक, तब इस तंत्रा को ढूंढते हुए आओगे। तंत्रा तो भागिनी शाकिनी अनाकी तंत्रा तनो सब खत्म हो गया, तुमने सच कहा था। तुम्हारी मौत का बीज बोया गया था यहीं। इसी जगह मैंने जाने को मारा था, जाने मक्खी, वही मक्खी बनकर पैदा हुआ। बिंदु के पास भी गए तो मार दूंगा। तूने सच कहा, जॉनी ही मक्खी है। अब क्या करूं? आत्मा कैद करने के लिए होम करेंगे। वसिता चित्मांतरगिता फट 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 प्रकुंडा। Thank you.
को अटक गया। फट 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 शकुंतला। बिंदु के पास भी गए तो मार दूंगा। मार 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 हेलो। क्या हो रहा था अंदर? हड्डियां, खोपड़ियां, नींबू, क्या है ये सब? ठीक है, और वो लाश किसकी है? तंत्र की। यहां क्या कर रहा था? मक्खी को मारने आया था। मक्खी मक्खी मक्खी, एक पिद्दी सी मक्खी तुम्हें इतना पागल कर रही है? क्या पिद्दी मक्खी, तुम्हें पता है वो क्या कर सकता? तुम मारो उसको, अगर तुम्हें दम है तो मारो उसको, मार दो। नॉनसेंस, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं सच कह रहा हूं यार, वो जानी ही मक्खी है जिसे मैंने मारा था, वो फिर पैदा हो गया साला। उस मक्खी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया, मेरा सारा पैसा जला डाला, घर में ना घुसे इसलिए मैंने सब बंदोबस्त किया, हवा को भी अंदर आने से रोक के रखा है, लेकिन पता नहीं वो मक्खी कैसे। क्या हुआ? मक्खी के लिए मास्क, हथियार? बिंदु स्क्रू निकाल रही है यार। ओ नो, तूने सही कहा था, जानी है मक्खी है। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी यार, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया। सुदीप, इस मक्खी की मदद बिंदु कर रही है, लेकिन उन्हें खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा, लेकिन उससे पहले उन इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह से रोकना होगा। अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो वो केस कर देंगे, पहले उसके बारे में सोचो। हम पार्टनर्स में से अगर एक मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, उस पर इंश्योरेंस भी है, 700 करोड़ मिलेंगे। क्या कह रहा है यार, इसके लिए आत्महत्या करेगा क्या?
जानी, जानी कहाँ हो तुम? जानी कहाँ हो? अच्छा, हाइड एंड सीक, ठीक है। बिंदु, तुम डर क्यों गई? ओ, सीधे ऊपर आ गए इसलिए। नीचे दरवाजा खुला था, कोई दिखा नहीं तो सॉरी आई स्केड यू। कोई बात नहीं सर। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे साथ आ सकती हो? मुझे कुछ काम है। मैं प्लीज मैं एक बात कहूं तो मुझे पागल नहीं समझोगी ना? एक मक्खी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। यू डोंट बिलीव मी? एंड व्हाट्स मोर शॉकिंग इज दैट मुझे मारने के लिए कोई उस मक्खी की मदद कर रहा है। बिंदु, यू बिलीव दैट? आप कहते हो तो सॉरी जिससे भी मैंने ये बात कही उसने मुझे पागल समझा। कम ऑन, कम सिट। देखो, सीसी कैमरा पर मिला मुझे। जूम करने पर देखो इसकी मुंह पर मास्क, गॉगल्स देखा तुमने? मिरेकल। लेकिन एक मक्खी ये सब नहीं बना सकती, कोई और बना रहा है। ए, रो मत सिली गर्ल, मुझे कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी चीजें सिर्फ एक माइक्रो आर्टिस्ट ही बना सकता है। तो मुझे मारने वाला वो माइक्रो आर्टिस्ट कौन हो सकता है बिंदु? आई मीन तुम ही एक माइक्रो आर्टिस्ट हो ना? तुम जानती हो मुझे कौन मारना चाहता है? बोलो। सारी लड़कियां मेरी उंगलियों पर नाचती है और एक मक्खी के पीछे मुझे कुत्ते की तरफ भगाया तूने। पहचाने साला, कहाँ छुपा? मुझे पता है तू यही कहीं है। हर बार की तरह इं, 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 करके छुपके मत आना। सीधे मेरे सामने आ जा वरना इसको यही जान से मार दूंगा। आ जानी आ। पिछले जन्म में इसे कैसे मारा तुझे पता नहीं ना? ए शूनिकाल, तुम्हारी आखिरी सांसें जाती हुई मुझे महसूस करनी है।
उतने ही थे सर। मैडम नहीं मिल रही सर। बिंदु भाग गई क्या? नहीं सर, दरवाजे बंद है, सिक्योरिटी यही है। पीछे का डोर भी बंद है सर, भागने का कोई चांस नहीं है। ढूंढो उसे। मेरा जीना हराम करके अब एकदम मेरे पकड़ में आ गए, वो भी यहां। यू वांट मी टू बिलीव दिस? Johnny, I'm coming. Wow! देखो उड़ते हुए कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है ना, ऐसे कैसे जाने दो? तुम दोनों ने मिलकर मेरा हर दिन जीना मुश्किल कर दिया, तब तुमने उसको रोकने को कहा? Thank you.
कहा थे हम? आई वॉज लाफिंग. बिंदु कॉन्सेंट्रेट करो, निशानों लगाओ, दिल में लगना चाहिए. तुमने सोचा मैं उसे मार दूंगा? जनी, के बीच में कम्युनिकेशन भी हो रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इस कमीने की चिंता मत करो, मरने से पहले इसे मार दूंगा. डैम, इसे जला दूंगा, मसल दूंगा, मार दूंगा. मुझे मारेगा तू? मौत सामने है और फिर भी इतनी अकड़ है तुझमें? जलना क्या होता है? मैं दिखाता हूं. मैं किस लो तेरी खातिर मैं हर पल जीऊं, यादों में तेरी अब जिंदा रहूं. मरेगा तू? के पास भी गए तो मार दूंगा. मक्खी
की। Ha 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 ha!